नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप उसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहां देखिए, आपको दो मोबाइल दिखाई दे रहे होंगे। मैं बस ये वाले मोबाइल से इस मोबाइल पर कॉल लगाऊंगी। तो मैं वो कर रही हूं, तो यहां पर मैं कॉल लगा रही हूँ और अब ये देखिए मेरा मोबाइल बजने लग गया है। यहाँ पर मैंने इससे इस पर कॉल लगाया और वो बजने लग गया। अब मैं इसे बंद कर रही हूँ, तो ये मोबाइल इस मोबाइल से कनेक्ट हो पा रहा है, आप देख रहे हैं। अब मैं यही मोबाइल को, मेरे पास ये स्टील का बॉक्स है और मैं ये स्टील के बॉक्स में डाल रही हूँ इस मोबाइल को और मैं ये बॉक्स बंद कर दे रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से ये स्टील के बॉक्स को बंद कर दिया है और अब मैं उसी नंबर पर फिर से कॉल करूँगी। तो ये देखिए, मैं उसी नंबर पर फिर से कॉल कर रही हूँ और अब आप देखिएगा, तो आप देखिए कि ये नंबर से कॉल जा रही नहीं है, उस मोबाइल को खोज रहा है ये मोबाइल, उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, अभी भी वो खोजने में लगा हुआ है। हालांकि वो मोबाइल बिल्कुल बगल में है, पर फिर भी इस मोबाइल को दूसरा वो मोबाइल नहीं मिल रहा है। जो तरंगे पहले इस मोबाइल से आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। तो ये देखा आपने कि बगल में रखा हुआ मोबाइल को भी ये मोबाइल डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो ये मोबाइल आराम से दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो गया। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो तरंगे हैं इस मोबाइल से उस मोबाइल तक पहुंच गए पहले, जब वो बाहर था बॉक्स के। और हम किन तरंगों की बात कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं। पर वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिससे कि एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से कनेक्ट होता है, वो अब इस मोबाइल तक नहीं पहुंच पा रही हैं जब मैंने इसे इस स्टील के बॉक्स में डाल दिया। तो ये स्टील के बॉक्स ने इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको इस बॉक्स के अंदर पेनेट्रेट होने नहीं दिया। ये स्टील का बॉक्स, आपको पता है कि ये एक कंडक्टर है और आप देखिए कि ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी, जिससे कि जो ईएम वेव्स हैं वो अंदर नहीं जा पा रही हैं इस बॉक्स के। और ये शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप कोई लिफ्ट में हैं तो आपका फ़ोन कभी कभी नहीं चलता है, क्योंकि लिफ्ट का भी जो रूम होता है वो भी मेटल का ही बना हुआ होता है। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं और ये मोबाइल को छुपाने की भी बहुत ही अच्छी जगह है। धन्यवाद।